कोई चले गली डॉलर सबको दिखा दो बाबू, फेस दिखा दो बाबू, डॉलू फेस दिखा दो। ओके अभी उसके गले में ये चेन आप लोगों को बंधे हुए दिख रही है ना, ये बेल्ट के साथ, क्योंकि डॉलर को ना थोड़ी बहुत वर्क करने के लिए बाहर लेके गए थे। अभी दोपहर के करीबन 3:30 होंगे। आज वेदर थोड़ी सी मतलब क्लाउडी थे, तो इसलिए मैं मेरी सिस्टर डॉलर को लेके गए थे बाहर थोड़ी सी वॉक करवाने के लिए। तो बाय द वे, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माई पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इतने दिनों में ना मुझे वीडियो बनाने की आदत जैसे छूटी गई है, ऐसा मुझे नर्वसनेस फील हो रही है। और आप लोग भी बहुत बार बोल रहे थे पहले जैसे वीडियो लाओ वीडियो लाओ, तो घर वाले भी बोल रहे थे कि पहले जैसे बिज़ी रहो वीडियो बनाने में अपने काम में, तो फिर माइंड थोड़ी सी डाइवर्ट होंगे, सही लगेंगे। तो मुझे लगा चलो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत करके वीडियो शेयर करूँ। और अभी मैं निकलूँगी डॉलर के लिए, आई होप आप लोग सुन पा रहे हो। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ डॉलर के लिए थोड़ी बहुत फूड लाने के लिए, जैसे पेडिग्री वगैरह, क्योंकि उसके खाना जो है ख़त्म होने को ही आई है। और अभी 3:30 बज के है, तो अभी हम लोगों को निकलनी भी है, क्योंकि शाम के टाइम पे ना इधर पे लॉकडाउन चलते हैं। तो इसलिए मैं मेरे सिस्टर जाएंगे आज, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जा रहे प्रथम बार जाती है ना, तो वो एक्साइटेड है। उधर पे खिलौने मिलते हैं डॉग्स के लिए, बहुत कुछ आइटम्स देखने को मिलते हैं ना, तो वो फर्स्ट टाइम जाएंगे, तो उसको भी लेके जाने वाली हूँ। और ऑब्वियसली मेरे फियांसे के साथ मैं जाऊँगी। तो जो भी होंगे मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँगी और डॉलर को देख। ओके 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 और आप लोग ज़रूर बताना डॉलर को इतने दिनों के बाद देखने के बाद आप लोगों को लग रही है ना कि वो थोड़ी सी बड़े हो गए हैं, आप लोग ज़रूर बताना। ओके और सर भी दर्द हो रही है, मतलब तबीयत थोड़ी सी ऐसे है ना डाउन डाउन सी चल रही है। तो आप लोग भी बहुत मुझे कमेंट कर रहे थे कि वीडियो लाओ वीडियो लाओ, तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर कोई भी भूल चूक हो गए तो माफ़ कर देना। और डॉलर के लिए ये वाला जो चेन है ना, मैंने हार्नेस जैसे ली थी एक पिंक कलर में, हार्नेस जैसे होते ना गले पे नहीं, बॉडी के साथ बेल्ट जो चेन है वो अटैच रहते हैं, बट वो एक ही दिन में वो दांत से काट दिया। तो इसके लिए उसका जो चेन है मतलब बेल्ट है, बेल्ट ही कहते हैं ना वो लंबे वाले, वो है। एंड ऑडिट में ली थी वो है ये वाला चेन के साथ, पुराने जो बेल्ट है ना रेड कलर की, उसी के साथ में लगा के फिर उसको मैं बाहर में लेके जाती हूँ। तो ये भी चेन जो है डॉलर के लिए परफेक्ट है ये वाला। फिर भी वो कभी कभार ना वो ढीला है ना गले वाला, तो वो उसको खोल के वो ऐसे ही दौड़ते रहते हैं, फिर उसके पीछे हम लोगों को भागनी पड़ती है। और एक है वो भी मैं आप लोगों को बाद में कभी दिखा दूँगी। तो चलिए पहले मैं जाती हूँ डॉलर के खाना लाने के लिए, और पेडिग्री वगैरह यही सब कुछ लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी देर बाद में आप लोगों से बातें करती हूँ। ओके चलिए। पेडिग्री पप्पी पप्पी 4 months এই দোকানটা তো না $3
3 কেজির তো দেখাবে না এটা কত মান শুদ্ধি খাওয়ানো যাবে এটা 12 12 মাস শুদ্ধি খাওয়ানো যাবে তারপরে এটা বসে দেখো এটা কত প্রাইস আছে এটা দিদি আপনার ছেলে নিয়ে 1450 तो गाइस जस्ट कुछ देर पहले हम घर पे आ गए हैं बस डॉलर की फूड लेने के लिए गए थे लॉकडाउन में और एसएच में घर से निकलती भी नहीं हूँ अभी रिलेटिव्स के घर पे जैसे मेरी मामा के घर में चाचा चाची के साथ भाई बहन के साथ या फिर नानी घर पे ऐसे ही कुछ दिन करके ऐसे ही रहती हूँ और बस वो आना जाना उतना ही और उससे ज़्यादा भी मैं निकलती भी नहीं हूँ और आज मैं डॉलर की फूड लेने गई थी आप लोगों को पता है और आने के बाद अच्छे से सैनिटाइज वगैरह कर ली सब कुछ और आप लोग भी अगर बाहर कहीं भी जा रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि चलो बाद में कर लेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना और मास्क सैनिटाइज़र सब कुछ अपने साथ हमेशा अवेलेबल रखना तो जो भी हो गाइस आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे मुझे कि मैं डॉलर को कौन सी फूड देती हूँ पहले तो मैं होममेड फूड देती थी जैसे कि राइस के साथ योगर्ट चिकन वगैरह या फिर अंडा ये सब मैं देती थी उसके बाद डॉक्टर के पास जब नेक्स्ट चेकअप के लिए मैं डॉलर को लेके गई तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया दो टाइम आप होममेड फूड दीजिए और दो टाइम आप पेडिग्री या फिर रॉयल कैनिन जो भी हो आप दे सकते हो तो मैं पिछले मंथ से मतलब 20 दिन होंगे 20 दिन पहले से मैं डॉलर को होममेड फूड के साथ दो टाइम होममेड फूड दे रही हूँ और दो टाइम मैं पेडिग्री दे रही हूँ तो कौन सा मैं पेडिग्री दे रही हूँ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वाला पेडिग्री जो पप्पी वाला है ना आई नो इधर पे उल्टा उल्टा दिख रही है सब कुछ ये पेडिग्री पप्पी वाला है तो यही मैं दे रही हूँ तो हाँ मैं क्या बोल रही थी बस यही मैं दे रही हूँ पप्पी वाला जो होती है और ये 3 kg का पैकेट है इससे पहले जो मैं लाई थी 15-20 दिन पहले तो वो 1 kg 200 ग्राम की थे तो फर्स्ट टाइम ये तो मुझे लगा कि वो खाएंगे पसंद करेंगे भी या फिर नहीं तो वो अच्छे से खा रही है तो उसका जो बड़ा पैकेट है 3 kg की वो मैं ले लिया है ताकि काफ़ी दिन तक चल जाए तो बस यही लिया है और कुछ नहीं लिया है क्योंकि डॉलर को जो मैं बिस्किट देती हूँ ना ये वाला बिस्किट देती हूँ डॉलर को ये भी पेडिग्री की है तो ये बचे हुए थे बहुत सारे तो डॉलर को मैं ऐसा कुछ बिस्किट मतलब दिन में 4 ऐसे में देती हूँ 4 से 5 ज़्यादा से ज़्यादा तो ये बहुत दिन तक चल रहे हैं तो ये ख़त्म होने के बाद ही मैं जाऊँगी अभी लेट के टाइम में तो आप लोग पूछ रहे थे तो मुझे लगा उसका डाइट में बता दूँ आप लोगों को तो बस यही है उसका खाना पीना की रूटीन तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होप सो आप लोगों को आज की वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी कुछ भी नहीं थे ऐसा सच वीडियो में लेकिन फिर भी मैं कोशिश की आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो लाने के लिए आप लोग इतना ज़्यादा बोल रहे थे कि वीडियो लाइए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में